Hello guys, welcome back to my channel. Today we will finish our chapter 12, reproduction in plants. Okay, तो हमने last video में asexual reproduction in plant पढ़ा था, अब हम sexual reproduction in plants पढ़ेंगे. Okay, guys, if you are new on my channel, please subscribe my channel and press the bell icon for more video. So without wasting time, let's start the video. देखिए हमारा first topic इसमें आएगा sexual reproduction in plants. Okay. You have learned earlier the structure of a flower. हमने flower के structure को वो last video में study कर लिया है. अगर आपने वो video नहीं देखी है तो पहले उसको जाकर देखें. Okay? You know that the flower are reproductive part of a plant. हम सब जानते हैं कि flower जो है वो reproductive part होता है plant का. ठीक है? Stamen are the male reproductive part and pistil is the female reproductive part. Stamen और pistil. Stamen जो है हमारा male reproductive part होता है और pistil जो है हमारा female reproductive part होता है. यह हमें फिगर 12.9 में दिखा हुआ है. ये हमारा स्टैमन है. ठीक है, जिसको इसको हम क्या फिलामेंट बोलते हैं और ये हमारा एंथर होता है. ठीक है, और ये पिस्टल में ये हमारी ये और ये ओवरी हो गई. ठीक है, ये ओवरी हो गई और ये है इसमें ओव्यूल. ठीक है, ये स्टाइल बोलेंगे इसको और इसको स्टिग्मा. ओके, तो ये स्टैमन हमारा क्या है, ये मेल रिप्रोडक्टिव और ये फीमेल रिप्रोडक्टिव. ठीक है, एक्टिविटी 12.4 देखेंगे. टेक अ मस्टर्ड चाइना रोज पेटूनिया फ्लावर एंड सेपरेट इट रिप्रोडक्टिव पार्ट. ठीक है, आपको क्या एक मस्टर्ड चाइना रोज या पेटूनिया फ्लावर लेना है और उसको अलग अलग सेपरेट करना है रिप्रोडक्टिव पार्ट को. स्टडी द वेरियस पार्ट ऑफ स्टैमन एंड पिस्टल. और जो स्टैमन और पिस्टल के जो पार्ट्स उसमें से आप सेपरेट करोगे उनको आपको स्टडी करना है. फ्लावर्स विच कंटेन आइदर ओनली पिस्टल और ओनली स्टैमन आर कॉल्ड यूनिसेक्सुअल फ्लावर. ठीक है, ऐसे फ्लावर जिनमें सिर्फ या तो पिस्टल प्रेजेंट हो या फिर स्टैमन हो, ऐसे प्लांट्स को हम क्या बोलते हैं, फ्लावर्स को हम क्या बोलते हैं, यूनिसेक्सुअल फ्लावर्स बोलते हैं. ठीक है, फ्लावर्स विच कंटेन बोथ स्टैमन एंड पिस्टल आर कॉल्ड बायसेक्सुअल फ्लावर. ठीक है, और जिस फ्लावर में दोनों स्टैमन और पिस्टल दोनों कंटेन हो, दोनों चीजें हो, उसमें हम बायसेक्सुअल फ्लावर बोलेंगे उसको. ठीक है, कॉर्न्स पपाया कुकुम्बर प्रोड्यूस यूनिसेक्सुअल फ्लावर वेयर एज मस्टर्ड रोज एंड पेटूनिया हैव बायसेक्सुअल फ्लावर. ठीक है, ये कॉर्न पपाया ये सब हमारे यूनिसेक्सुअल हैं और मस्टर्ड रोज ये सब हमारे बायसेक्सुअल फ्लावर. ओके, बोथ मेल एंड फीमेल यूनिसेक्सुअल फ्लावर मे बी प्रेजेंट इन सेम प्लांट और इन डिफरेंट प्लांट. ठीक है, जो हमारे मेल और फीमेल यूनिसेक्सुअल फ्लावर हैं वो क्या होते हैं, प्रेजेंट होते हैं या सेम प्लांट में प्रेजेंट हो सकते हैं, डिफरेंट प्लांट में भी. कुड यू आइडेंटिफाई द अनदर एंथर एंड फिलामेंट ऑफ स्टैमन. क्या आप एंथर और फिलामेंट, स्टैमन के एंथर और फिलामेंट को आप, इन दोनों चीजों को आप आइडेंटिफाई कैसे कर सकते हैं. एंथर कंटेन पोलन ग्रेन विच प्रोड्यूस मेल गैमेट्स. ठीक है, एंथर जो है वो पोलन ग्रेन कंटेन करता है जिससे जो कि क्या मेल गैमेट प्रोड्यूस करते हैं. अ पिस्टल कंसिस्ट ऑफ स्टिग्मा स्टाइल एंड ओवरी. और पिस्टल में क्या होता है, स्टिग्मा स्टाइल और ओवरी, जैसे कि हमने इसमें इस फिगर में देखा है. ठीक है, ओवरी कंटेन वन और मोर ओव्यूल्स. ओवरी में एक या एक से ज्यादा ओव्यूल्स कंटेन कर सकते हैं. द फीमेल गैमेट और द एग इज फॉर्म इन द ओव्यूल. जो फीमेल गैमेट या फिर एग है वो ओव्यूल में फॉर्म होता है. इन सेक्सुअल रिप्रोडक्शन अ मेल एंड अ फीमेल गैमेट फ्यूज टू फॉर्म जायगोट. सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में मेल और फीमेल गैमेट जो है वो फ्यूज होते हैं टू फॉर्म जायगोट, जिससे क्या बनता है, जायगोट. अब नेक्स्ट टॉपिक देखेंगे पोलिनेशन. जनरली पोलन ग्रेन हैव अ टफ प्रोटेक्टिव कोट विच प्रिवेंट दैम फ्रॉम ड्राइंग अप. ठीक है, जो पोलन ग्रेन्स होते हैं उनके ऊपर टफ प्रोटेक्टिव कोट होता है जो कि उनको सूखने से, ड्राई अप होने से बचाता है. सिंस पोलन ग्रेन आर लाइट दे कैन कैरिड बाय विंड. और इसके बावजूद भी जो मतलब पोलन ग्रेन्स होते हैं वो बहुत लाइट होते हैं. ठीक है, दे कैन कैरिड बाय विंड और वाटर. ठीक है, इंसेक्ट विजिट फ्लावर्स एंड कैरी अवे पोलन ऑन देयर बॉडीज. सम ऑफ पोलन लैंड ऑन द स्टिग्मा ऑफ अ फ्लावर ऑफ द सेम काइंड. ठीक है, जो कुछ पोलन लैंड्स होती हैं स्टिग्मा के, किसी फ्लावर के स्टिग्मा पर, वो एक ही तरीके की होती हैं. ठीक है, द ट्रांसफर ऑफ पोलन फ्रॉम द एंथर टू द स्टिग्मा ऑफ अ फ्लावर इज कॉल्ड पोलिनेशन. ठीक है, द ट्रांसफर ऑफ पोलन फ्रॉम द एंथर टू द स्टिग्मा. ठीक है, यानी कि एंथर से पोलन का स्टिग्मा की तरफ ट्रांसफर होना फ्लावर के अंदर, उसको हम क्या बोलेंगे, पोलिनेशन बोला जाएगा. ठीक है,
if the pollen land on the stigma of the same flower or the another flower of same plant. ठीक है, जो पोलन लैंड है स्टिग्मा के ऊपर वो सेम फ्लावर की हो, ठीक है, और जो अनदर फ्लावर है वो भी सेम प्लांट का हो, इट इज कॉल्ड सेल्फ पोलिनेशन। और ये हमारा क्या कहलाएगा, अगर जो दोनों के दोनों फ्लावर्स, प्लांट और फ्लावर सेम है तो वो क्या हमारे सेल्फ। व्हेन द पोलन ऑफ अ फ्लावर लैंड ऑन द स्टिग्मा ऑफ अ फ्लावर ऑफ डिफरेंट प्लांट ऑफ द सेम काइंड, जब क्या होगा कि जो पोलन है वो अलग प्लांट के फ्लावर के स्टिग्मा के ऊपर अगर लैंड करेगा तो उसको हम क्रॉस पोलिनेशन बोलेंगे। ओके, ये हमारा पोलिनेशन हो गया, ये पोलिनेशन की डेफिनेशन हो गई, ये सेल्फ पोलिनेशन एंड क्रॉस पोलिनेशन। ठीक है, अब देखते हैं हम फर्टिलाइजेशन। द सेल विच रिजल्ट आफ्टर फ्यूजन द गैमेट इज कॉल्ड जायगोट। ठीक है, जो सेल है जिस जो हमें रिजल्ट में मिलते हैं फ्यूजन में, फ्यूजन ऑफ गैमेट यानी कि गैमेट का फ्यूजन होने के बाद जो हमें रिजल्ट मिलता है वो जायगोट होता है। ठीक है, द प्रोसेस ऑफ फ्यूजन ऑफ मेल एंड फीमेल गैमेट इज कॉल्ड फर्टिलाइजेशन। ठीक है, जो प्रोसेस होता है फ्यूजन ऑफ मेल और फीमेल गैमेट का उसको हम फर्टिलाइज। द जायगोट डेवलप इनटू एन एम्ब्रियो, और जायगोट जो है वो किस में डेवलप हो जाएगा, एम्ब्रियो में। ओके, अब ये देखेंगे फ्रूट एंड सीड फॉर्मेशन, फ्रूट और सीड का फॉर्मेशन कैसे होता है। आफ्टर फर्टिलाइजेशन द ओवरी ग्रो इनटू अ फ्रूट एंड अदर पार्ट ऑफ अ फ्लावर फॉल ऑफ। ठीक है, फर्टिलाइजेशन के बाद जो ओवरी है वो एक फ्रूट में कन्वर्ट हो जाती है, ग्रो हो जाती है। ठीक है, एंड अदर पार्ट ऑफ फ्लावर, और जो फ्लावर का दूसरा पार्ट है वो फॉल ऑफ हो जाता है। ओके, द फ्रूट इज द रैपन ओवरी, द सीड डेवलप फ्रॉम द ओव्यूल, जो सीड है वो कहाँ से डेवलप होगा, ओव्यूल से। द सीड कंटेन एन एम्ब्रियो इनक्लोज इन द प्रोटेक्टिव सीड कोट। सम फ्रूट एंड आर फ्लैशी एंड जूसी सच एज मैंगो एंड ऑरेंज, कुछ फ्रूट जो है फ्लैशी और जूसी होते हैं जैसे मैंगो और ऑरेंज। सम फ्रूट आर हार्ड लाइक आलमंड एंड वॉलनट, और कुछ फ्रूट जो है वो हार्ड होते हैं जैसे आलमंड हो गया और वॉलनट। ठीक है, सीड डिस्पर्जल इन नेचर, सेम काइंड ऑफ प्लांट ग्रो एट डिफरेंट प्लेस। ठीक है, हमारे नेचर में सेम काइंड के प्लांट जो है वो ग्रो होते हैं अलग अलग प्लेसेस पर। दिस हैपन बिकॉज सीड आर डिस्पर्स टू डिफरेंट प्लेस, ऐसा इसलिए होता है क्योंकि जो सीड है वो डिस्पर्स होते हैं अलग अलग प्लेसेस पर। समटाइम आफ्टर अ वॉक थ्रू अ फॉरेस्ट और अ फील्ड और अ पार्क यू मे हैव फाउंड सीड और फ्रूट स्टिकिंग टू योर क्लोथ। आप कोई वॉक, कहीं आप वॉक पर गए हो, फॉरेस्ट में, फील्ड पर, पार्क में, कहीं पर भी आपने आने के बाद देखा कि जो सीड, यू मे हैव फाउंड सीड एंड फ्रूट स्टिकिंग, कुछ सीड्स या फ्रूट जो है आपके क्लोथ पर स्टिक हो चुके हैं। डिड यू ट्राई टू ऑब्जर्व हाउ दी सीड वर क्लिंगिंग टू योर क्लोथ, आपने मतलब ट्राई किया कि ऐसा क्यों हुआ कि ये सीड्स जो हैं वो हमारे क्लोथ पर क्लिंग हो गए, वाई। What do you think will happen if all seed of a plant were to fall at the same place and grow there? ठीक है, there would be sharp competition for sunlight, water, mineral and space. ठीक है, as a result the seed would not grow into healthy plant. इसी का कारण है कि जो seed जो है वो grow नहीं होता healthy plant में। ठीक है, the plant benefit by seed dispersal. इट प्रिवेंट कॉम्पिटिशन बिटवीन द प्लांट एंड इट्स ओन सीडलिंग फॉर सनलाइट, वाटर एंड मिनरल। ठीक है, और ये क्या प्रिवेंट करता है, कॉम्पिटिशन बिटवीन प्लांट एंड इट्स ओन सीडलिंग। ठीक है, किसके लिए, सनलाइट के लिए, वाटर के लिए एंड मिनरल के लिए। इट आल्सो अनेबल द प्लांट टू इन्वेड न्यू हैबिटेट फॉर वाइडर डिस्ट्रीब्यूशन। ठीक है, सीड्स एंड फ्रूट ऑफ प्लांट आर कैरिड अवे बाय विंड, जो सीड्स और फ्रूट होते हैं प्लांट के वो क्या विंड के द्वारा, वाटर के द्वारा और मिनरल के द्वारा लाए जाता है। ठीक है, विंड सीड सच एज दोज ऑफ ड्रमस्टिक एंड मैपल। ओके, जैसा कि 12.A और बी में दिखाया हुआ है, सीड्स ऑफ ड्रमस्टिक एंड मैपल, ये हमारा सीड है और इधर ये सीड है। ठीक है, और ये इसके विंग्स हो गए। ठीक है, मैपल्स के और ड्रमस्टिक के। लाइट सीड ऑफ ग्रासेस और हेयरी सीड्स ऑफ आर्क मदर एंड हेयरी फ्रूट ऑफ सनफ्लावर, 12.14 के ए और बी, इसमें ये दिखाया है द हेयरी ऑफ फ्रूट ऑफ सनफ्लावर एंड हेयरी सीड ऑफ मदर, आर्क बोलते हैं इसको। ठीक है, ये हमारा सनफ्लावर हेयरी फ्रूट है और ये हमारा आर्क। ठीक है,
get blown off with the wind of far away. Some seeds are dispersed by water. कुछ seeds जो है वो किसके द्वारा dispersed होते हैं? Water के द्वारा. These fruit or seeds usually develop floating ability in the form of spongy or fibrous outer coat as in cocoon. Okay. Some seeds are dispersed by animal. कुछ seeds animal के द्वारा dispersed होते हैं. Especially spiny seeds with hooks which get attached to the bodies of animal and carried to distinct places. Example of xanthanium and urena. Figure 12.15. ये xanthanium का figure है, ठीक है? Some seed are dispersed when the fruit burst with sudden jerk. ठीक है, कुछ seed जब dispersed होते हैं, जबकि जो fruit है वो अचानक burst हो जाए किसी jerk के द्वारा. The seeds are scattered far from the parent plant. जो seeds है वो क्या? Scatter far हो जाता है अपने parent plant से, जो उसका parent plant होता है. This happen in the case of castor and balsam. ठीक है, और ये castor और balsam के केस में होता है. ठीक है, तो हमने क्या पढ़ा? Seed dispersal of different places. ठीक है, हमने अलग अलग तरीके से पढ़ा, by wind, by water, by animal. ठीक है, और ये fruit burst with sudden jerk, एक इसके द्वारा पढ़ा. ठीक है, हमने चार पढ़े हैं इसमें, और ये इन सबके एग्जाम्पल हैं. ठीक है, इसी के साथ ये चैप्टर आपका फिनिश हो चुका है. अगर आपको वीडियो हेल्पफुल लगी हो तो प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें एंड अपने फैमिली, फ्रेंड्स, क्लासमेट्स सभी के साथ शेयर करें.